जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी नई वीडियो के ऊपर। मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर UKSSSC की तरफ से पुलिस की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर दोस्तों यहां पर पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट रखी गई है। यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पर पोस्ट पाने का अच्छा मौका आप सभी के लिए आ चुका है। यहाँ पर उत्तराखंड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन आप अदर स्टेट से भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 12वीं पास योग्यता मांगी गई है, और लास्ट डेट जैसा कि आप देख सकते हैं कि 16 फरवरी 2022 तक इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों डिटेल जानकारी हम नोटिफिकेशन से भी लेने वाले हैं, और आपको मैं स्लाइड्स के थ्रू भी बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी लोगों के लिए ऐसी जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है, जो कि केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए दोस्तों यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पर SC ST और OBC कैंडिडेट्स को आयु सीमा के अंदर छूट भी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 12th पास योग्यता रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट डेट के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 16 फरवरी 2022 तक इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे। महिलाएं और पुरुष दोनों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी वाइज आपको देख सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स की आपको बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊँचाई यानी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट्स पर्वतीय क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वैसे सेना की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सामान्य यानी OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर साइज मांगी गई है, और फुलाने के बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 76.3 सेंटीमीटर चेस्ट साइज मांगी गई है, और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाने के बाद, चेस्ट को फुलाने के बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। और बाकी बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल थ्रो यहाँ पर लिया जाएगा 50 मीटर के हिसाब से, यहाँ पर 10 अंक दिए जाएंगे, 55 मीटर के हिसाब से यहाँ पर 12 अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद होगी दोस्तों, और यहाँ पर चिन अप भी होगा, बैठक होगी, दंड बैठक होगा, और दौड़ व चाल यहाँ पर ली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मीटर के हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे, जितना ज़्यादा आप थ्रो करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखा गया और फिजिकल टेस्ट रखे गए हैं। दोस्तों ये रही सारी जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे भी आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूँ।